अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। विभावे उनके अभाव स्वभाव उत्तम क्षमादि स्वभावे उत्तम क्षमादि स्वभावे आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग निज रमण आके चल्य निज रमण परिग्रह त्याग निज रमण ता ब्रह्मचर्य निज रमण ता दस धर्म निज जान ना पहचान ना जमना धर्म का मर्म हरिहंत है दश धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध आचार्य है उवजाये मुनिराज सर्व प्रसिद्ध जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। उत्तम क्षमा आदि दस लक्षण धर्मों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कौन है इन दस धर्मों के धारक? अरिहंत हैं दश धर्म धारक सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वे हैं दस धर्मों के धारक। सच में तो ये दस लक्षण धर्म हमारे मुनिराजों के जीवन में होते हैं। हमारे भावलिंगी संत, हमारे मुनिराज, वे ही इन दस धर्मों की आराधना करने वाले होते हैं। इन दस लक्षण धर्मों की आराधना करते हुए आज हम तप तक आ गए हैं। तप, तपस्या, तप माने हैं तपस्या। शब्द जुड़ा है साथ में उत्तम। यदि उत्तम साथ में नहीं हो तो तपस्या की कोई वक्त नहीं है। माने ऐसी तपस्या किसी काम की नहीं है जो तपस्या उत्तम नहीं हो। दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म दर्शन है
जहाँ तपस्या की बातें नहीं कही गई होगी। सब तपस्या की बात करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, रोजे रखते हैं मुसलमान लोग, 40-40 दिन के चिल्ले रखते हैं, ऐसा तप करते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं का अर्थ जानते हैं आप? मुसलमान लोग जब रोजे रखते हैं तो मुंह में थूक भी नहीं निगलते दिन भर, इतना कठोर आचरण आचरते हैं। लेकिन भाई ना यहाँ हिंदुओं के तप की बात है, ना मुसलमानों के तप की बात है, ना ईसाइयों की यहाँ पर चर्चा है, ना दूसरे धर्म संप्रदायों की बात है। यहाँ तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में होने वाले तपश्चरण की चर्चा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है उत्तम, और तप माने है तपस्या। वैसे तप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कोई एक पिक्चर बनने लगती है, ओ तपस्या, तपस्या माने कोई कठोर आचरण होगा। तपस्या सुनते ही ऐसा लगता है जैसे एक पैर पर खड़ा होगा कोई आदमी, हाथ ऊंचे किए हुए होंगे, माथे पे पत्थर होगा, कोई ऐसा बहुत मतलब एक हार्ड वर्क जैसा लगता है अपने, अरे भैया ये बहुत तपस्वी हैं माने बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठोर आचरण है इनका, ऐसी फीलिंग आती है तपस्या शब्द सुनते ही। अरे बहुत तपस्वी हैं माने उपवास करते होंगे, व्रत करते होंगे, व्रती होंगे, नियम संयम इनके होंगे, बहुत कठोर आचरण होगा, वो तपस्वी दिखते हैं। लेकिन भाई तपस्या में कष्ट नहीं है, तपस्या में आनंद है। वो तप नहीं है जिस तपस्या में कष्ट हो, वही तप है जिसमें आनंद हो। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पर्वतों को भेद देने के लिए जो वज्र के समान है उसका नाम है तप। तपसा निर्जराच, उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। लेकिन तप किसे कहते हैं गौरांग भाई, तप किसे कहते हैं? तो जवाब लिखा, इच्छा निरोधस तप है। कहाँ आई है ये चर्चा इच्छा निरोधस तप है की? तत्वार सूत्र में नहीं, लेकिन तत्वार सूत्र में नहीं आई है यह चर्चा, धवला में आई है। इच्छा निरोधस तप है यह धवला ग्रंथ का वाक्य है, धवला ग्रंथ की सूक्ति है इच्छा निरोधस तप है। अपने को ऐसे लगता है इस तरह के सूत्र तो तत्वार सूत्र में मिलते हैं ना, तो कुछ भी नहीं, तत्वार सूत्र लगा दो तत्वार सूत्र ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो तपसा निर्जराचय है, ये तपसा निर्जराचय ये चर्चा मिलती है तत्वार सूत्र में, तप से निर्जरा होती है। लेकिन तप किसे कहते हैं, वो तप की चर्चा आई है, इच्छा को रोकने वाले तप की चर्चा आई है धवला ग्रंथ में, वीरसेन स्वामी ने लिखी है। अब जरा दुनिया में तपस्या करने वालों से जाकर के पूछो कि जो तपस्या कर रहे हैं कि भैया आप जो तपस्या कर रहे हो इसमें इच्छाएं कितनी रुकी है, इच्छाएं रुकी कि नहीं रुकी? यदि आपकी इच्छाएं नहीं रुकी तो इसका मतलब वो तपस्या असली तपस्या नहीं है क्या? आपकी जो इच्छाएं हैं क्या ये इच्छाएं असली कब कहलाएगी? दुनिया में जितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या सोच के तपस्या कर रहा है, कोई क्या सोच के तपस्या कर रहा है, मैं तपस्या करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा तपस्या करूंगा तो इसकी सिद्धि हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, रिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, तपस्या के दम पर पता नहीं क्या क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो उसने भी 12 वर्ष तक शंभु कुमारी तो था, रावण का भांजा, उसने क्या किया, 12 साल तक तपस्या करता रहा चंद्रहास खड़क प्राप्त करने के लिए, सूर्यहास चंद्रहास खड़क प्राप्त करने के लिए, खड़क माने तलवार, एक अद्भुत तलवार ऐसी रिद्धि से 12 साल तपस्या की उसने। कई लोग तपस्या के दम पर सोना बनाना सीख रहे हैं, तपस्या के दम पर नोट बनाना सीख रहे हैं, नोट छापना सीख रहे हैं, गोल्ड बना रहे हैं, रसायन तैयार कर रहे हैं, तपस्या के नाम पर क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्या वो तपस्या है क्या? क्योंकि तपस्या तो इच्छाओं के रुकने को कहते हैं, आप तो इच्छा रख करके तपस्या कर रहे हो। और यदि अपने जैन धर्मावलंबियों की यदि हम बात करें
जो हमारे सामने सब लोग सुन रहे हैं, यदि मैं उन सब की बात करूं आपके बीच में, तो मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूं कि हमारे यहाँ तो तपस्या माने उपवास इसलिए किए जाते हैं कि 10 दिन पूरे हो जाने के बाद में जुलूस निकलेगा, हमें बग्घी में बिठा करके ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, माला पहनाएंगे, नए कपड़े आएंगे, बच्चे लोगों को देखो आप उत्साह, वहाँ सम्मान होगा हमारा भरी सभा में, क्षमावाणी के दिन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे तो उस दिन हमारा वहाँ सम्मान होगा, प्रशस्ति होगी, हमारा भी नाम बोला जाएगा। अब ये कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में ऐसी बातें बैठी हुई है जिनके दम पर आप ये उपवास आदि कर रहे हो, व्रत आदि कर रहे हो। आपने तो तप की परिभाषा कोई धूल धूमिल कर दिया, परिभाषा ही ये लिखी है, इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। इच्छाएं कितनी रुकी हैं, वास्तव में भूखे रहने का नाम तप नहीं है। असली तप तो स्वरूप विश्रांति का नाम है, असली तप तो आत्मा के प्रतपन का नाम है, चैतन्य के तपने का नाम है असली तप। माने जिसके माध्यम से कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ है? तपस्या को। अब निर्जरा तो हो नहीं रही है और यहाँ तो वजन कम हो रहा है, शरीर की निर्जरा हो रही है, और क्या हो रहा है? बोले मैंने 10 दिन के उपवास किए, 3 किलो वजन कम हो गया। कि किए क्यों थे? कि इसीलिए तो किए थे, मेरा तो सफल हो गया। अब 10 दिन उपवास करना सफल हो गया है इसका, क्यों? क्योंकि 3 किलो वजन कम हो गया। अरे भाई, या तो स्वरूप में से कर्म कम होने चाहिए, स्वरूप साधना से। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है, ऐसा जयसेन आचार्य देव ने लिखा है प्रवचन सार की टीका में। निस्तरंग आत्मा में निस्तरंग निर्विकल्प होकर के चैतन्य के तपने का नाम तपस्या है, उसे तपस्या कहते हैं। हमने तो उपवास को, भूखे रहने को, व्रत करने को, इन सब को तपस्या समझ लिया, लेकिन यदि भूखे रहने का नाम तपस्या होता तो हमें एक बात बतलाइए, देव लोग ऐसी तपस्या को क्यों चाहते? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें निज शक्ति सम। हमें भी अपनी शक्ति सहित वो तप करना चाहिए जिस तप के लिए देवलोक भी तरसते हैं। अब उपवास इतनी बड़ी चीज तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो कल भी कही थी आपसे, संयम की चर्चा करते समय हजारों हजारों वर्षों तक कंठ से अमृत नहीं झरता है, हजारों वर्षों के उपवास के बाद एकाध बार कभी कंठ से अमृत झर जाता है। कितने उपवास कर रहे हैं? 12 प्रकार के तपों में पहले तप का नाम अनशन है, 12 प्रकार के तपों में पहले तप का नाम उपवास है। अब ये उपवास क्या चीज है? टोडरमल जी साहब के चरणों की शरण में यदि हम लोग जावे तो टोडरमल जी ये कहते हैं, निश्चय से तो वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग भाव का नाम ही तप है। जिससे शुद्धोपयोग की वृद्धि हो, जिससे शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव की वृद्धि हो, उसे तप जानना चाहिए, वो हुआ कि नहीं हुआ। ये उपवास आदि भी इसलिए किए जाते हैं कि हम निर्वृत्त हो जाते हैं, बाहर से हमें निर्वृत्ति मिल जाती है। जिसने उपवास किया माने भोजन नहीं किया, समझ लीजिए आप, तो कितनी चीजों से फ्री हो गए भाई साहब आप। खाना नहीं होगा तो लाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो बर्तन नहीं साफ होंगे, काम नहीं होंगे, किचन नहीं फैलेगी, कितने सब कार्यों से निर्वृत्ति हो गई। तो खाएगा नहीं तो फ्रेश होने भी नहीं जाएगा, खाया ही नहीं है, जब खाएगा ही नहीं तो निकालेगा क्या? तो सब चीजों से निर्वृत्ति मिल गई ना, कितना टाइम बच गया है हमारा। आप एक बार भोजन का त्याग करके देखिए आपको कितना फ्रीनेस महसूस होता है, आपको ऐसा लगेगा कोई काम ही नहीं है यार, बहुत सारे झंझटों से बच गए अपन लोग। तो ये उपवास का समय किस लिए था? अब उपवास करके किया क्या भाई साहब, ये बतलाओ। तो अरे हमने उपवास किया तो आज बहुत टाइम मिल गया था हमारे को, तो हमने वो अलमारी वगैरह सब फैली हुई थी वो सब साफ कर लिया था, टाइम मिल गया ना, खाना तो बनाना नहीं था, इनका भी उपवास था हमारा भी उपवास था, तो दोनों का उपवास था, तो अपन ने तो बस ये ऑफिस चले गए और हमने सारा काम घर की साफ सफाई, सारे अलमारियां फैला ली, कपड़े जमा लिए, सब काम फ्री काम उपयोग कर लिया अपन ने। आज फ्री थे, कोई काम नहीं था, उपवास था, तो कई दिनों से पेंडिंग था, उनके मिलने जाना था, तो चलो मिल आते, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। क्या आपने ऐसा उपवास किया है क्या?
यहाँ जिस उपवास की बात कर रहे हैं, ये समय क्यों बचाया था? ये समय तो अपने स्वभाव के नजदीक आने के लिए बचाया था। भोजन नहीं करके जो समय बचाया है, वो समय तो स्वभाव की आराधना करने के लिए बचाया है, वो तो स्वाध्याय के लिए बचाया है, वो तो अपने आप के नजदीक आने के लिए बचाया है। उपवास शब्द का अर्थ सब सुना है, सबने जानते हैं। उप माने होता है नजदीक और वास माने होता है रहना। अपने स्वभाव के नजदीक रहने का नाम उपवास होता है। अब स्वभाव के नजदीक आए नहीं तो फिर वो उपवास कहलाता नहीं, फिर उपवास नहीं है वो, फिर तो उपवास का प्रदर्शन मात्र है। टोडरमल जी साहब ने तो उसे लंघन कह करके पुकारा है, बोले काहे का उपवास है तेरा, ऐसे उपवास थोड़ी ना कहते हैं। कषाय विषया हारो त्यागो यत्र विधीयते, ऐसे पंक्ति लिखी है, कषायों का त्याग हो, विषयों का त्याग हो और विधि पूर्वक आहार आदि का त्याग हो तो उपवास कहलाता है। देव लोगों के ऐसा उपवास बहुत आसान काम है, लेकिन शुद्धोपयोग की वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए वे इस तपस्या को चाहते हैं। देव लोग जिस तपस्या को चाहते होंगे, वो तपस्या दो चार दिन भूखे रहने से नहीं हो सकती है। और यदि भूखे रहने से कर्म झड़ते हो तो मैं ये बात कह सकता हूं, सबसे पहले नरक वालों को मोक्ष होना चाहिए, नारकियों को मोक्ष होना चाहिए सबसे पहले। क्यों साहब, गलत कह रहा हूं क्या? क्षितिज भाई, 10,000 वर्ष के उपवास कंटिन्यू, देवों के तो चांस ही नहीं है। लगातार सागरों तक के उपवास नारकी जीवों के, मिट्टी खाई तो खाली, नहीं तो नहीं खाई, उपवास ही चल रहे हैं। खाने को एक अन्न का दाना नहीं मिल रहा है, एक बूंद पानी की नहीं पी रहे हैं, तो कितनी निर्जरा हो रही होगी उन नारकियों के। लगता है भाई साहब इतने उपवास करेंगे, एक उपवास से यदि थोड़ी निर्जरा होती है तो 10,000 उपवास से क्या होगा, और सागरों के उपवास यदि नारकी करेंगे तो लगता है नरक से डायरेक्ट मोक्ष जाता होगा, फिर शायद कोई रास्ता निकलता होगा नरक से। नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब उपवास से निर्जरा का संबंध नहीं है, सच्चा उपवास होना चाहिए। और वो सच्चा उपवास होता है अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, उसका नाम उपवास है, भूखे रहने का नाम नहीं है। इच्छाएं कितनी घटी है उस पर निर्भर करती है बात। 12 प्रकार के तप कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, आपने नाम सुने होंगे और नाम जाने भी होंगे। थोड़ी बहुत चर्चा 12 तपों के आधार से करेंगे। पहले का नाम है अनशन और दूसरे का नाम अरे आप लोग तो होठ हिला देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं उधर क्या, मेरे को सबके चेहरे दिख रहे हैं, मेरे को मुझे सब ख्याल में आ रही है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अभी समझ में तो आ गया था तत्वार सूत्र, तो आंखें भी पढ़ लेती है, अकेले कान ही नहीं पढ़ते, कान ही नहीं सुनते, आंखें भी सुनती है, है ना। तो चलिए बात क्या कह रहा हूं यहां पर मैं, अनशन के बाद दूसरा नंबर किसका है, उनोदर का। उनोदर के बाद वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, दिविक्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। इन 12 प्रकार के तपों में हर तप एक दूसरे से ऊपर बढ़ता गया है, हर तप में शुद्धोपयोग की वृद्धि होती गई है, हर तप में वीतराग भाव की वृद्धि होती गई है। यदि वीतराग भाव की वृद्धि हो रही है तो वो तपस्या सार्थक है। अब वो हो रही है या नहीं हो रही है, एक से एक बड़े तप है भाई साहब। अनशन की तुलना में उनोदर बड़ा तप है, उसकी तुलना में और ऊपर वाला वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और बड़ा तप है। अनशन में क्या होता है, भूखे रहा जाता है, उपवास किया जाता है। पवैया जी ने बहुत सारे उपवास बतलाए 10 लक्षण धर्म विधान में, यदि आप लोगों ने देखे हो तो। आज सुबह हमने विधान किया था तो उसमें बहुत सारे तपों की चर्चा थी, कई तरह के उपवासों की चर्चा थी। ये सिंह निष्क्रीडित है, ये ऐसा है, बहुत बहुत तरह के तप बतलाए हैं। इतने उपवास, इतने उपवास, इतने उपवास, 100 दिन उपवास करो, इतने दिन पारणा करो, इतने दिन उपवास करो, इतने दिन पारणा करो। हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के अंदर ऐसे उपवासों की बहुत चर्चा आई है, लेकिन ये सारी चर्चा
स्वरूप के नजदीक रहने के लिए है। मुझे ये कहना है उपवास से ज्यादा बड़ा तप है एक समय भोजन करना, जैसे उनोदर कह करके पुकारा गया है। क्या कह रहे हैं? भूखे रहने से ज्यादा बड़ा तप एक टाइम खाना है। हेलो, ये एक टाइम खा रहा है, मैं उपवास, अरे ये एक टाइम खा रहा है ना, मैंने तो उपवास किया है। लेकिन नहीं भाई, जिनवाणी ये कह रही है वो बड़ा तप है उनोदर, क्योंकि उसका नाम उनोदर है। उनोदर शब्द का अर्थ क्या होता है? उनोदर माने भूख से कम खाना, भूख से कम खाना, वो ज्यादा बड़ा तप है, क्योंकि इच्छा निरोधस तप है, इस परिभाषा के ऊपर घटित होता है, सीधी सी बात है। इच्छाएं रुकेगी इसलिए वो तप ज्यादा बड़ा तप है, इच्छाएं उसमें ज्यादा रुकी है। उपवास वाले ने तो भोजन के समीप ही नहीं आया, उपवास वाला तो भोजन के नजदीक ही नहीं आया, उपवास वाले को तो विकल्प ही नहीं आया, काम में अटका रहा वो तो, अपने उपयोग को दूसरी तरफ लगा दिया, भोजन के बारे में ध्यान ही नहीं आया उसको, खत्म हो गई बात। अब ये जो उनोदर वाला व्यक्ति है, ये उनोदर वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि ये भोजन करने के लिए तो बैठा, लेकिन भोजन करने के लिए बैठने पर भी भूख से कम खाया, तब तो उनोदर है। ऊन उधर, उनोदर, ऊन माने कम और उधर माने पेट, तो पेट से कम, भूख से कम खाए तो तब बड़ा तप कहलाएगा। जबकि पोजीशन क्या है, आप लोग कभी एक आसन करते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम अमेरिका का क्या सिस्टम है। कभी कभी एक टाइम भोजन करते हैं क्या? कभी व्रत करते हैं क्या? कभी उपवास करते हैं क्या? कभी करते हैं इस तरह का? कभी तो किया करें। अभी अभी ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं ऐसे कहूंगा कि उससे तबीयत ठीक रहती है। अच्छा पंडित जी, फिर तो जरूर करेंगे। अब अभी तबीयत ठीक के नाम पर हर व्यक्ति करने को तैयार है। इससे स्वास्थ्य सही रहता है, इससे बॉडी को हीलिंग मिल जाती है, हीलिंग पावर डेवलप होती है। अभी थोड़ा सा ये दुनिया के लोगों की तरह समझाने लग जाओ ना तो सबको ये भाषा समझ में आने लग जाती है, ऐसे नहीं समझ में आती। अरे थोड़ी बहुत तो विषय कषायों से निवृत्ति होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि नहीं? तो हम बात कर रहे थे कि भोजन की थाली पर बैठ करके भी भूख से कम खाना ये कितना कठिन काम है। अनेक बार ऐसा जब आपने एकासन किया होगा तो आप रोजाना यदि दो रोटी खाते हैं, तीन खाते हैं, तो जिस दिन एकासन होगा उस दिन तीन से चार नहीं होगी तो साढ़े तीन तो हो ही जाएगी, कम नहीं होती है, ज्यादा हो जाती है। अपनी भी साइकोलॉजी में ये आ जाती है बात कि अब शाम को तो लेना नहीं है, अब चलो थोड़ा सा खिलाने वाले जो होते हैं उनके भी दिमाग में ये बात रहती है, अब शाम को तो खाओगे नहीं, थोड़ी सी और चल जाएगी, अब ले लो थोड़ी सी और, तो दिमाग में ये बात रहती है, थोड़ा सा ज्यादा खाने में आ जाता है। भैया यहाँ दुनोदर की चर्चा नहीं चल रही है, दुनोदर की चर्चा नहीं चल रही है, है ना? दुनोदर समझिए, डबल पेट से ज्यादा, यहाँ तो उनोदर की चर्चा चल रही है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को समझ लीजिए, अनशन से उनोदर बड़ा तप है, उनोदर से विविक्त नहीं वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लो आप। मैं कभी कभी ऐसा अपने आप को टटोलने के लिए करता हूं, मैं कभी कभी हो जाता है इस तरह का, आज ये चीज नहीं खाएंगे, अचानक भोजन की थाली पर जाकर के बैठे और पहले ही सोच के गए आज ये चीज नहीं खाएंगे, फिर उसको हटा दो, आज मीठा नहीं लेंगे, आज नमक नहीं, बदल बदल करके किए जाते हैं, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना है ये वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस छोड़ देना, ये रस परित्याग, ये सब बढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर। यदि संभव हो सके तो भोजन नहीं करें, भोजन के बिना न रहा जाए तो एक टाइम भोजन करें, लेकिन एक टाइम भोजन करके भी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के भोजन करें, उसमें भी अनेक प्रकार के रसों का त्याग करके भोजन करें, माने भोजन को नीरस बना करके करें। यदि भोजन नीरस हो जाएगा तो इच्छाओं का त्याग होगा, इच्छाएं रुकनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल की बात है, हम अपने आप पर कितना कंट्रोल कर पाए हैं, इसके लिए इनको बड़ा तप कह करके पुकारा गया है। रस परित्याग में भी हमारे यहाँ बदल बदल करके रसों के त्याग की चर्चा की है, एक दिन नमक नहीं खाना, सप्ताह में एक दिन करके तो देखो थोड़ा सा, सप्ताह में एक दिन मीठा नहीं खाना,
हमारे इन तपों को जो अपने जीवन में अपनाते हैं उनके बीमारियां तो अपने आप ही नहीं होती है। कैसे डायबिटीज हो जाएगी बीच में एक दिन, वीक में एक दिन मीठे का त्याग करेगा तो? कैसे बीपी की प्रॉब्लम होगी नमक का त्याग एक दिन करेगा तो? एक दिन हरी नहीं खाना। कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा यदि एक दिन घी तेल का त्याग करेगा तो? सप्ताह में एक दिन करेगा तो? आप समझ रहे हैं, मैं बीमारियां इलाज के की तरफ आप लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, हमारे वीतरागी संत आखिर निरोगी क्यों रहते हैं? हमारे भावलिंगी संतों को, मुनिराजों को दवाइयों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, उपचार की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? एक दिन दूध का त्याग कर दिया, गोरस का त्याग कर दिया, ऐसे बदल बदल करके जब त्याग किए जाते हैं, एक दिन हरी का त्याग कर दिया तो शरीर को 6 दिन तो खाया और 1 दिन नहीं खाया तो आवश्यक पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और इच्छाओं पर भी कंट्रोल हो जाता है। अब आपने लाइफ टाइम के लिए नमक छोड़ दिया तो बॉडी में भी उस चीज की कमी हो जाएगी और फिर थोड़े दिन तो अटपटा लगेगा, फिर बिना नमक का भोजन ही अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे जो लोग डायबिटीज की वजह से चाय फीकी पीते हैं, अब उन्होंने फीकी चाय पीना शुरू किया, पहले दिन तो बहुत खराब लगी, दूसरे दिन भी खराब लगी, फिर क्या हुआ 2-4 दिन बाद में, फिर 2-4 दिन बाद में ऐसा हो गया कि अब वही अच्छी लगने लग गई, 15 दिन बाद में वही अच्छे लगने लग गई। हिमांशु भाई अपने को तो अरे यार अब तो बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है यही, अब तो फीकी, अरे फीकी में मजा आता है। अब ये जो फीकी में मजा आने लग गया है इसका मतलब वो रस परित्याग नहीं हुआ, यहां तो इच्छाएं रोकनी थी, अपने आप पर कंट्रोल करना था, विषयों पर कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए बदल बदल करके खाने की बात हमारे यहाँ जिनवाणी में कही गई है। जीवन भर मीठे का त्याग कर दिया तो आपकी शुगर की कमी हो जाएगी बॉडी में। 6 रस कहे हैं हमारे यहाँ और 6 दिन में बदल बदल करके उनके त्याग की बात कही गई है। इसी तरह से विविक्त शय्यासन, 1 करवट से सोना, काय क्लेश शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करना, ये 6 बहिरंग तप कहे गए हैं। अरे सुनो भैया, अनशन पहला तप और ध्यान अंतिम तप। अनशन सैकड़ों वर्षों तक करे तो निर्वाण की गारंटी नहीं, और सच्चा ध्यान यदि अंतर्मुहूर्त करे तो केवल ज्ञान की गारंटी है अंतर्मुहूर्त में। एक ऐसी बात कही है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हाँ ऐसा ही स्वरूप है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, ये कैसे हो गया है? यही तो तपस्या है, यही तो असली तप है। अभी अंतरंग तप तो और ज्यादा उत्कृष्ट है बहिरंग तपों की तुलना में, लेकिन उन्हें अंतरंग इसलिए कहा गया है कि उन तपों को आचरते हुए ये जीव तपस्वी जैसा नहीं दिखाई देता है, ये है असली मुद्दा, इसलिए उन्हें अंतरंग कहा है। प्रायश्चित, अंतरंग तपों में पहले का नाम प्रायश्चित है। अब दुनिया में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रायश्चित नाम के तप को तपते हैं, बताओ? जिन्हें प्रायश्चित तप लगता है, जो प्रायश्चित कर रहे हैं, जो प्रायश्चित की भावना भा रहे हैं, कौन है ऐसे प्रायश्चित की भावना भाने वाले? और प्रायश्चित भी लेते हैं ना, पता है क्या लेते हैं बताऊं? मैं तो, हमारे सामने हिंदुस्तान वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, इनको देख करके मुझे सब यहाँ की दशाएं दिखती है, यहाँ की परिस्थितियां दिखती है। एक दिन उपवास टूट गया, एक दिन कुछ व्रत भंग हो गया, एक दिन नियम पूरा नहीं हो सका, तो क्या करते हैं भाई साहब? ये करते हैं मंदिर में जाकर के माला फेर लेना, और क्या करेगा, 2 माला फेरे और जाकर के ये कर ले, प्रायश्चित ले लिया हमने, 1 माला ज्यादा फेर लेंगे और क्या करेंगे, 1 पूजन ज्यादा कर लेंगे, प्रायश्चित के रूप में तो क्या क्या तो करें, इसे ही प्रायश्चित समझता है, प्रायश्चित का स्वरूप ही नहीं समझ रहा है, अणहोकार मंत्र की माला फेरने को प्रायश्चित समझ रहा है। धर्मचंद जी साहब सही कह रहे हैं, ये समाज की हाल है यहाँ के, पूरे देश में, गांव गांव में, नगर नगर में यही हो रहा है राकेश जी भाई साहब। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रायश्चित की विधि बतला रहा हूं आपको, प्रायश्चित कैसे लेना, कभी प्रायश्चित का परिणाम आता है क्या, कभी गलती होती है क्या, कभी गलती फील होती है क्या कि मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे से दोष लगा है? दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित होता है। कुंदकुंदाचार्य देव ने भी प्रायश्चित अधिकार लिखा है नियम सार में, उन्होंने भी प्रायश्चित की चर्चा की है। हमारे यहाँ जनागम में प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है, सामायिक किस लिए किया जाता है, ये प्रायश्चित के ही प्ररूप है एक प्रकार से। कैसे प्रायश्चित लेने किसी गलती का, जैसी गलती हो
वैसा प्रायश्चित लीजिए, ये विधान है। गलती देख करके प्रायश्चित का निर्णय लिया जाता, जिसके प्रति गलती की है उससे प्रायश्चित की बात कीजिए, जिसके प्रति दोष हुआ है, झगड़ा तो माता पिता के साथ में हो गया, झगड़ा तो हस्बैंड का, वाइफ वाइफ का हस्बैंड के साथ में हो गया, अब भगवान के सामने मंदिर में जाकर के माफी मांगा है कि मेरी तो आज गलती हो गई यार, कोई बात नहीं है भगवान माफ करना। भगवान क्या माफ करेंगे, गलती जिससे की थी माफी तो उससे मांगनी थी ना। जिसके प्रति गलती हो माफी तो उसके प्रति होनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। मैं जब प्रायश्चित का प्रकरण चलता है तो मैं उन मुनिराज को याद करता हूँ जिन मुनिराज ने अपने आहार चर्या में लगे हुए दोष को अपने आचार्य से छिपा लिया। गलती हो गई, छिपा लिया, उन्होंने बताया ही नहीं। लेकिन आपको मालूम है हमारे आचार्यों का वर्चस्व इस तरह का होता है कि संघ के कोई भी मुनिराज छिपाते नहीं है, छिपा नहीं सकते हैं। क्या छिपाएंगे, किससे छिपाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं होती है उनकी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, लेकिन दो पांच दिन के अंदर अंदर वो बात मुनिराज ने कहा महाराज आचार्य श्री से जाकर के निवेदन किया, मैं उस दिन आहारचर्या के लिए वहां गया था, मेरे से ऐसी ऐसी भूल हो गई थी और मैंने तो आपको बतलाया नहीं, सॉरी, प्लीज मुझे प्रायश्चित दे, आगे से मैं गलती नहीं करूं, प्रायश्चित प्रदान कीजिए। पता है क्या दिया आचार्य ने, आचार्य देव ने उसको कहा कि इसका जो प्रायश्चित है ना भैया, इसका प्रायश्चित मैं नहीं दे पाऊंगा, इसके प्रायश्चित के लिए आपको उस संघ के आचार्य के पास में जाना पड़ेगा, वो आपको प्रायश्चित देंगे। ये मुनिराज उनके पास में चले गए और वहां जाकर के इन्होंने पूरी बात कही उस संघ में कि भाई मेरे को उन्होंने भेजा है, आप मेरे को प्रायश्चित द्वारा शुद्ध कर दीजिए। तो वहां के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि भाई इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दूंगा, आप किसी दूसरे संघ के आचार्य के पास में जाइए। वहां दूसरे संघ के पास में भेज दिया, वहां जाकर के उन्होंने पूरी बात कही कि भाई मैं इनका शिष्य हूँ, इनका शिष्य हूँ, इन्होंने वहां भेजा था, वहां से यहाँ आया हूँ, पूरी बात बतलाई। उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दूंगा, इसका प्रायश्चित तो दूसरे संघ के आचार्य देंगे, वहां भेज दिया। पांच सात जगह वे घूमे और अंत में आचार्य जो थे उनको सारी बात बतलाई कि यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से आया हूं मैं। तो बोले सुनो इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे ही संघ के आचार्य देंगे, तुम उनके पास चले जाओ। फिर वापस लौट करके आ गए कि महाराज अब कोई बात नहीं, आप मेरे को प्रायश्चित तो दे दीजिए, लेकिन बस इतना ही कहना है कि जब आपको ही प्रायश्चित देना था तो मुझे इतना घुमाया क्यों। तो आचार्य श्री ने जवाब दिया हो गया तुम्हारा प्रायश्चित, कि बताया ही नहीं कुछ भी, कि तुम्हारी यही तो गलती थी क्या, कि तुम नहीं बताना चाहते थे, अपनी जिस भूल को छिपाना चाहते थे उसी भूल और उसी गलती को तुमने सात सात संघों में घूमकर अलग अलग आचार्यों के सामने अपने ही मुख से अपनी गलती को बताया, यही उसका प्रायश्चित है। जैसी भूल होती है वैसा प्रायश्चित किया जाता है। उपवास के दरमियान यदि कुछ खाने में आ गया है तो माला फेरना उसका प्रायश्चित नहीं है, अपितु उपवास दोबारा करना ये उसका प्रायश्चित है। आपके यदि आलू का त्याग है और आलू खाने में आ गया है तो इसका प्रायश्चित क्या है, कि आपने छह महीने का त्याग किया था, आप दो साल तक नहीं खाएंगे, ये उसका प्रायश्चित है। आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, यदि मेरे हरि का त्याग है और गलती से खाने में आ गई है, भाई प्रियंक जी गलती से हरि खाने में आ गई है आज, अब मेरा त्याग था, तो आगे तीन दिन तक हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, हाँ ये उसका प्रायश्चित है। पॉइंट समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गलती जहां होगी सुधार भी वहीं होगा, जहां भूल होगी वहीं सुधार किया जाएगा, प्रायश्चित। विनय के संदर्भ में तो बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तप है भाई साहब, ये प्रायश्चित भी तप है, कौन जानता है इसे तप, अपनी गलती का प्रायश्चित करना, इसे तपश्चरण कहा गया है जनागम में, मेरी स्वाध्याय की प्रतिज्ञा है, आधे घंटे रोजाना नियम से स्वाध्याय करूंगा। वैसे मुझे मालूम है आप लोगों की ऐसी कोई प्रतिज्ञाएं होगी नहीं, लेकिन ये भी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा। स्वाध्याय भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के किया जाता है, नियमबद्ध होकर के किया जाता है, स्वाध्याय के भी नियम लिए जाते हैं। कल हमने कही थी ना स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, अंत में कही थी आपसे,
दो स्टेप आगे बढ़कर के स्वाध्याय की चर्चा आने वाली। हमने स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले रखी है और अब स्वाध्याय नहीं कर पाए भाई साहब। क्यों नहीं कर पाए स्वाध्याय? ध्यान ही नहीं रहा, चूक गए हम तो। तो अब क्या करना? प्रायश्चित बतलाओ। अब प्रायश्चित क्या होगा इसका? भगवान से जाकर के माफी मांगे आना, माथा टेके आना वहां के। अरे नहीं भाई, ये थोड़ी ना उसका प्रायश्चित है। इसका प्रायश्चित तो ये है, 1 घंटे का स्वाध्याय मिस हुआ है, 3 घंटे स्वाध्याय करूंगा, ये उसका प्रायश्चित होगा।